much guys for trusting me, for trusting my content, for trusting on my channel. दोस्तों आज लगभग दो दिन पहले ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, और वो क्यों हुए हैं? आपके ही वजह से. आप लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना ट्रस्ट किया, जितना कंटेंट के ऊपर में भरोसा रखा, आपने कंटेंट देखा, आपने वीडियोस देखे, वो सभी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों चैनल को ग्रो करने के लिए. क्योंकि कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनता है वो किन के ऊपर बनता है? ऑडियंस के ऊपर. आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहती है हमारी ग्रोथ, हमारी अर्निंग, हमारे जो भी नॉलेज है, जो भी नॉलेज शेयरिंग है, वो सभी बातें आपके ऊपर में डिपेंडेंट करती है. तो आज तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने इतना कंटेंट के ऊपर में भरोसा रखा, आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा, आपने इतना प्यार दिया. लगभग हमारे चैनल के ऊपर में 40,000 प्लस व्यूज हो चुके हैं, और हमारे चैनल के ऊपर में लगभग मुझे 6 महीने लग गए 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करने के लिए. और ये एक बड़ा माइलस्टोन रहता है अपना जो यूट्यूब है उसका, और सेकंड माइलस्टोन रहता है वॉच टाइम का. तो मैं आज आपके साथ में कुछ बातें शेयर करूंगा जो कि हमारे कंटेंट के बारे में नहीं रहेगी, जो कि एक पर्सनल ओपिनियन रहेगा मेरा. अगर आप सोच रहे हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, तो दो तीन बातों के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा, वो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है. आपने से कई लोग, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई हमको भी ग्रोथ चाहिए, हमको भी कुछ लाइफ में करना है, हमारी लाइफ में भी ऐसी कुछ अचीवमेंट चाहिए कि जिससे कि हम आगे बढ़ पाए, हम खुद ग्रो कर पाए, हमारे फैमिली को ग्रो कर पाए, कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए, एज अ एंटरप्रेन्योर बन पाए. सो बहुत सारे लोग सोचते हैं, बहुत कम ही लोग उसको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी, ये बातें जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है इन दिस पीरियड. सो कभी भी कोई बातों के बारे में, कभी भी कोई बात के बारे में अगर आप सोचे, किसी एम को आप चूज करें, किसी भी आपको अगर लगता है कि ये बात हम करना चाहते हैं या फिर हम आगे जाके करेंगे, तो ये बात अभी आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बात अगर आप चूज करते हैं तो उसको एक एज अ कंसिस्टेंसी और पेशेंटली आप चूज कीजिए, आप उसके ऊपर एनालाइज कीजिए, आप उसको एनालिसिस कीजिए कि पर्टिकुलर आप कौन से निश में आप टारगेट करेंगे, आप कौन से निश में आपको इंटरेस्ट है. सभी कुछ, सब कुछ डिपेंड रहता है अपने निश के ऊपर. आप जो भी निश चूज करते हैं उसको देखिए कि वो मोनेटाइज हो सकती है क्या, उसमें आगे में कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है क्या, उसमें हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं क्या. ये सभी बातें आप एनालाइज करने के बाद में आप चूज कीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर निश में आपको जाना है या नहीं. ये बातें डिसाइड करने के बाद में आप उसके पर्टिकुलरली 100 से 150 कंटेंट राइट एंड खुद लिख लीजिए. आप गूगल से रिसर्च कीजिए, आप वीडियो से रिसर्च कीजिए, आप ब्लॉग से रिसर्च कीजिए, कहीं से भी रिसर्च कीजिए, बट उसके बारे में 100 से 150 टॉपिक्स लिख लीजिए कि भाई आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इतना कंटेंट प्रोड्यूस करना है इन द टर्म्स ऑफ वीडियो. आप या फिर वो लिख के हो या फिर कोई अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जिससे कि आप मोनेटाइज कर पाए उसको. सो ये बातें आपने एक बार की कर ली ना दोस्तों, तो आप 150 या 200% में आपको एश्योरिटी के साथ में बता सकता हूं कि आप कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे 200 या 300%. ये खुद मैंने बातें एनालाइज की है, मैंने खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, अपने नॉलेज में इम्प्लीमेंट की है, उसके बाद में ही मैं आपको बता पा रहा हूं. मेरी 25 ईयर्स की एज है, मेरे पास अमेजोन सेलर का सर्टिफिकेशन है, मैं एज अ फ्लिपकार्ट सर्टिफाइड सेलर हूँ. उसके बाद में एक्सिमप्रेनर मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में मेरा सर्टिफिकेशन हुआ है. मैंने बहुत सारे लोगों को मेंटर किया है, और मैं एज अ यूट्यूबर प्लस कंटेंट क्रिएशन में भी काम कर रहा हूँ. यानी इतने सारी बातें मैं जब अकेला हैंडल कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं. बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते होंगे कि कुछ करना है क्या, नहीं क्या, कुछ करूँ या करूँ क्या, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें रहता है. तो कंफ्यूज ज्यादा होने की जरूरत नहीं है. एक निश को टारगेट करो, देखो उसमें रिसर्च करो, उसके ऊपर में 1 महीना लगो, 2 महीने लगो, 3 महीने लगो, चलेगा. बट लॉन्ग टर्म के लिए सोचो कि ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सकती है क्या, लॉन्ग टर्म में उसके बारे में सोच सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म में इसके रिगार्डिंग कंटेंट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, इसके बाद ही उसमें जाओ. बहुत सारे बातें हैं दोस्तों करने के लिए. आज की जो एज है, आज की जो जनरेशन है, आज की जो टेक्नोलॉजी की
डेवलपिंग जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत सी बातें सक्सेसफुल, यानी बहुत सी बातें हम कर सकते हैं और घर बैठे अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आपको बहुत सारे वीडियोस दिखते होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे ब्लॉग्स आपने देखे होंगे गूगल पे, और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज आपको आए होंगे कि भाई हम लोग घर से कमाते हैं, 1.5 लाख रुपए कमाता है 20 साल का बंदा, 22 साल का बंदा कमाता है 3 लाख रुपए, 25 साल की उम्र है कमाते हैं 10 लाख रुपए महीने के। तो ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे केस स्टडीज आपके सामने भी आए होंगे, आपने देखा भी होगा, बट आपने कभी उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया कि भाई वो पर्टिकुलर बंदे ने उसके पीछे में कितनी मेहनत की होंगी। मेहनत सबकी रहती है दोस्तों, वो हम देखते नहीं है, हम उसका सिर्फ इन अर्निंग देखते हैं कि वो अर्निंग कितना कर रहे हैं। मेहनत देखिए, मेहनत देखने के बाद में आपको पता चला कितनी हसल और कितना ज्यादा स्ट्रगल वो पर्टिकुलर बातों के बारे में वो स्पेंड करता है, पर्टिकुलर एम को टारगेट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए करता है। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। आज के वीडियो में मैंने आपको थोड़ी टिप्स शेयर की कि कोई भी आप काम करने जाएंगे, मेरी भी लाइफ कोई इतनी ज्यादा इजी नहीं है, सबकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग है, सबको एफर्ट लेने पड़ते हैं, सबको स्ट्रगल करना पड़ता है, उसमें से कम ही लोग जो है वो सक्सेसफुल हो पाते हैं ड्यू टू कंसिस्टेंसी और पेशेंस और एक रेगुलर बेस्ड और अपना एक रेगुलर इंप्रूवमेंट को लेकर। 3 बातों के बारे में आपको ध्यान रखना है, रेगुलर कंटेंट, रेगुलर कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये 3 ही बातें आपको सक्सेसफुल बना सकती है लाइफ में, बाकी कुछ नहीं। सो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया, इतना कंटेंट देखा, आपने मेरे वीडियोस देखे इसके लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे के वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, आगे में हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, Q&A करेंगे, जिसमें आपके ज्यादा से ज्यादा मैं डाउट्स जो है वो क्लियर करने का ट्राई करूंगा, और आगे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा कंटेंट रहने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, इंटरनेशनल बिजनेस को लेकर, और बाकी जो भी ब्लॉगिंग है या फिर जो भी ऑनलाइन बिजनेस के जो कंटेंट्स है, और स्पेशली किचन गार्डनिंग को लेकर, और एक हमारा जो नया नया स्टार्टअप है उसको लेकर। सो टिल देन दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड लव यू ऑल।